विचारधाराओं में भी फर्क होता है, लेकिन इतना घृणा, और वो तो बुद्धा को चंद लोग तो ऐसा मानते हैं हिंदू धर्म में कि नौवा अवतार है। अरे विष्णु का नौवा अवतार है तो आप घृणा क्यों करते बुद्धा से? लेकिन वो मानसिकता नहीं जाती, और वो भी यही भूमि है जिसने ये कहा कि बुद्ध महार झाला। मैं अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपकी आवाज सुन के आया हूँ। जो आवाज आपने 10 साल से चला रहे हैं, मेरा कहना यही है कि हम मेन स्ट्रीम में रहना है तो लोग देखना भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर लोग नहीं देखेंगे टीवी, अगर ऐसी टीवी को नहीं देखेंगे तो फिर क्या फायदा है? आप ही एनकरेज नहीं करते, आप ही एडवर्टाइजमेंट नहीं देते, फिर कौन आएगा? क्या ऊपर से खुदा आके देगा? खुदा किधर है मुझे मालूम नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं सर, तो क्या खुदा आके देंगे? नहीं, तो कम से कम हमें मदद करना चाहिए। आवाज इंडिया की टीवी के 10 साल पूरे होने पर जो आयोजित किया गया कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में विशेष पधारे हुए हमारे सभी सम्माननीय नेतागण, आज मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि एक तो हमारी कांग्रेस पार्टी की 139 साल का स्थापना दिवस था, और स्थापना दिन में हमने ये सोचा कि बार बार दिल्ली में करने के बजाय हम नागपुर में क्यों नहीं करना, ऐसा मैंने सोचा और दिल्ली से उठा के हमारा स्थापना दिवस का कार्यक्रम नागपुर में लाया। और नागपुर ऐसा एक जगह है, दो विचारधारा का अलग अलग यहाँ प्रसिद्ध नेता हो गए हैं। एक समानता की बात करने वाले, बुद्ध को मानने वाले, सामाजिक न्याय देने वाले, देश के संविधान बनाने वाले, और सब मनुष्य को एक करके समानता का जो उपदेश दिया और जो उन्होंने बीड़ा उठाया, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और दूसरी विचारधारा वाले भी यही हैं, वो आरएसएस का ये तो गढ़ है जो खासकर हमारे बाबा साहब के विचारधारा के विरुद्ध है। मेरे को अभी भी एक बात बहुत याद आती है कि जब मैं अभी छोटा था, 14-15 साल का, बहुत देर के बाद पूना बॉम्बई से ट्रेन से हमको पेपर गुलबर्गा आते थे, खासकर शाम में हमको मिलते थे। सुबह के पेपर रात के 7-8 बजे ट्रेन से आकर मिलते थे, स्टेशन पे कोई ना कोई दोस्त जाके खरीद के लाता था। एक पेपर में कम से कम 7-8 लोग पढ़ते थे, और खासकर अब कहीं बैठ के पढ़ना है तो किसी होटल में बैठ के 2 चाय 4 जने बैठ के पीते थे। और वो इसलिए बैठते थे
कि वो पेपर कब आ रहा, और पेपर आने के बाद अगर उसके पन्ने छः हैं, अगर हम चार लोग हैं तो सभी लोग एक एक पन्ना लेके पढ़ते थे, और फिर एक पन्ना किसका ख़त्म हुआ तो वो दूसरे को देता था और दूसरा पन्ना तीसरे को देता था। ऐसा था। और यहाँ का खास करके दो पेपर बहुत मशहूर थे, एक केसरी, एक सकाळ, और इंग्लिश में फ्री प्रेस जर्नल, लेकिन वो तो महंगी थी, उस वक्त कोई नहीं लेता था। खासकर ये सकाळ पेपर आता था, और उसमें मैंने, उसके बाद मराठा पेपर एक आता था, उसमें मैं उस वक्त, क्योंकि मिल मजदूर जो होते हैं वो थोड़ा प्रोग्रेसिव विचारधारा के होते हैं, ट्रेड यूनियन में उनको बहुत सा ज्ञान भी मिलता है, अपने हकूक़ के लड़ने के लिए लोग तैयार होते हैं। तो उस वक्त जैसा कि मेरे पिताजी मिल में काम करते थे, तो नेचुरली ट्रेड यूनियन की जानकारी उनको थी, तो जो पेपर आता था वो घर को लाके पढ़ने के लिए हमको देते थे। उसमें उस वक्त लिखा था मराठा पेपर में हेडलाइन में, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और कम से कम 5 लाख लोगों से ज़्यादा लोग एक दिन में ही एक ही वक्त एक ही जगह उसका दीक्षा हो गई थी, तब यहाँ के नागपुर के उनके विरोधी विचारधारा वाले गोड़वलकर गुरुजी अभी जिंदा थे, उन्होंने अपने पेपर में लिखा और बोला, प्रेस वाले उनको पूछे कि बाबा साहब अम्बेडकर ये बुद्ध धर्म में स्वीकार किया, आपका कहना क्या है? तब गोड़वलकर गुरुजी ने बोला कि मैं क्या बोलूं, बुद्ध महार झाला, महार बुद्धिस्ट हो गए नहीं बोले उन्हें, बुद्ध महार झाला, यानी बुद्ध को ही महार बना दिए उन्होंने, लेकिन महार जो बुद्धिस्ट बने थे उनको बुद्धिस्ट नहीं बोले। यानी इतनी घृणा थी, विचारधाराओं में भी फर्क होता है, लेकिन इतना घृणा। और वो तो बुद्धा को चंद लोग तो ऐसा मानते हैं हिंदू धर्म में कि वो विष्णु का 9वां अवतार है नहीं पढ़े हैं, 9वां अवतार है। अरे भाई, विष्णु का 9वां अवतार है तो फिर आप घृणा क्यों करते बुद्धा से? लेकिन वो मानसिकता नहीं जाती, और वो भी यही भूमि है जिसने ये कहा कि बुद्ध महार झाला। तो इसीलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि चंद लोगों के विचारधारा ऐसे होते हैं, और वो भी लोग नागपुर में ही हैं। बाबा साहब तो दीक्षा दिए, वो भी नागपुर को महत्व देता है, और उनके विचारों के खिलाफ बोलने वाले, विरोध बोलने वाले, वो भी लोग यहाँ है। तो मेरा कहने का एक ही मकसद है कि देश में आज विचारधारा की लड़ाई है, और इस विचारधारा में हमको एक होके लड़ना है। किसी पार्टी पक्ष का तो छोड़ दीजिए, लेकिन अपने हकूक के लिए, मानवता के लिए और मनुष्य जाति के लिए हमको एक होना ज़रूरी है। और जो अंधविश्वास है और जो समाज के कई लोगों को न्याय जब नहीं मिलता, तो उसमें सभी जाति के लोग, धर्म के लोग एक होकर ऐसे चीज़ों का खंडन करना चाहिए। लेकिन अब डर बहुत हो गया, जब से मोदी आ गए तो क्या बोले तो क्या होता, कब किसको जेल में डालते मालूम नहीं है। भीमा कोरेगांव में घटना हो गई तो उसमें इनोसेंट बच्चे भी चले गए, और आज तक उनको नौकरी नहीं मिल रही,
और वो घर घर भटक रहे हैं। उनका देख के दूसरे लोग भी बोलते, अरे परवाच ते काय भीमा कोरेगावला गेले होते लोक, त्या मुलांना अजूनपर्यंत नौकरी मिळत नाही, तू कशाला जातोस, वो के घर के लोग बोलते हैं। वो ऐसे है प्रोसेशन में जाने के लिए या कहीं एजिटेशन करने के लिए अगर बच्चे घर से बाहर भी निकलते हैं, माँ बाप ये बोलते हैं कि तो परवाच त्या एजिटेशन मध्ये गेला, बघा त्याला कुठेही नौकरी मिळे ना, पोलीस स्टेशन मध्ये ते लिहिलेलं आहे त्याचं नाव, तर तू कशाला जातोस, ते सोडून दे आता म्हणून। म्हणजे एवढं डिस्करेज करतात लोक आपले किंवा दुसरेही लोक। म्हणून मला सांगायची एवढीच आहे की गरज आपण कितीही प्रयत्न केला की सामाजिक न्यायासाठी, पण एकजूट अगर नाही आणि त्याला सगळ्या समाजाचे लोक साथ द्यावा लागेल। आपण काही लोकांना शिव्या देऊन चालत नाही, सगळ्यांना समजावून घेऊन एक होऊन ह्या विचारधारेवर तुम्ही चला, तेव्हाच देशाचं उद्धार होत आहे हे त्यांच्या मनात बसवलं पाहिजे। सगळ्या समाजात चांगले लोकही आहेत, काही वाईट लोकही आहेत, म्हणून आपण वाईट लोक आहेत म्हणून नेहमी त्यांच्याकडं बोट दाखवणंही फार मला वाटतं ते चांगलं नाही। बाबासाहेबांच्या जीवनात सुद्धा केळुसकर गुरुजी काय कोण होते, ते शिक्षक कोणत्या जातीचे, मराठा कुणबी होते, मग झालं की दुसऱ्या जातीचे लोक किंवा आम्हाला प्रोत्साहन देतात त्याचा उपचार झाला ना। माझं सांगण्याचं काय मत आहे की सगळे एकाच विचारधारेचे लोक जर असतील तेव्हाच आपण आपली शक्ती वाढवू शकतो। नुसतं एकमेकाला भांडून आपल्या आपल्यातच तो असा आहे तसा आहे म्हणून सांगत गेलो तर कोणताही समाज पुढे येत नाही, आणि जे पुढं आलेलं आहे त्या लोकांना पुढे येऊ देत नाही। म्हणून माझं एकच ह्या समाजाच्या लोकांना विनंती आहे, खास करून युवकांना, की तुम्ही आता स्वतःच्या पायावर उभा राहण्याची प्रयत्न करा। आम्ही कंग्रॅच्युलेट करतो की हे आज आवाज इंडिया TV हे स्वतःच्या पायावर राहून 10 वर्ष हे पूर्ण केले, आणि ते आवाज 10 वर्ष कायम ठेवलं आणि त्यांनी पुढं असं घेऊन चालतील हे माझं मत आहे। म्हणून मी त्यांना ह्यासाठी शुभकामना मी देतो। दुसरी चीज, आवाज इंडिया TV जब शुरू हुआ तो बहुत से लोगों को लगता था कि पता नहीं ये सफल होगा, जैसा कि अभी हमारे CEO ने बताया, एडिटर ने बताया कि ये यशस्वी होगा क्या नहीं, लेकिन यशस्वी हुआ। 10 साल हुए, 10 साल के बाद हम ये फंक्शन बना रहे, ये आवाज़ अभी जिंदा है, इसको कोई दबाया नहीं। और ये जो ये हमारा TV हो और पेपर हो, ये जो है एक डेमोक्रेसी में महत्व का रोल करते हैं, और वो महत्व का रोल करके लोगों को जागृत करते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने अपने जीवन में, लोग पढ़ो या न पढ़ो, उन्होंने मूक नायक पेपर पहली निकाली, और मूक नायक निकाल कर, क्योंकि हम सब मूक थे, डम थे, तो उन्होंने लीडर ऑफ द डम बन के मूक नायक पेपर निकाला, और उससे थोड़ा थोड़ा हुआ, फिर बाद में अलग अलग बहिष्कृत भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत, ये सब निकाले। तो यह आवाज जरूरी है, चाहे मीडिया का हो, पत्रिका हो,
ये गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए और गरीब लोगों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए ली। आज पढ़े लिखे लोगों की भी हालात खराब हो गई है, क्योंकि जो पेपर में अगर अच्छा आर्टिकल देश के लिए लिखते हैं और अगर वो सरकार के खिलाफ थोड़ा उसमें आता है, झट से उसको अरेस्ट कर देते, जेल में डालते। यानी आपको जो आज़ादी मिली, वो आज़ादी अब एक एक गायब हो रही है। जो बाबा साहब ने आपको संविधान के रूप से, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो डेमोक्रेसी की एक पॉलिसी और बाबा साहब की जो सामाजिक न्याय, ये मिल के जो चल रहा था, तो वो आज एक एक गायब हो रहा है। और हमको जो फंडामेंटल राइट्स थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये सब तंग हो गए। अब लोग सोचना चाहिए। मैं अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं आया यहाँ, मैं आपकी आवाज़ सुन के आया हूँ। जो आवाज़ आपने 10 साल से चला रहे हैं, वही कंटिन्यू होगा। आप अगर डर गए तो फंस गए, इसीलिए डरना नहीं, या अपने हाथ से नहीं होता तो उसको जहाँ है वहीं छोड़ो, फिर कोई तो आके आगे बढ़ा लेता है। ये बात मैं नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, जब सिद्धार्थ कॉलेज में उन्होंने जब बैठ के एम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत कर रहे थे, तब किसी ने बोला कि बाबा साहब मुझे नौकरी मिली। कौन सी मिली? नहीं सर, अटेंडर। हाँ, रेलवे में। और कोई आया? टीचर हूँ। और कोई आया? तब बाबा साहब बोले, मेरे सामने तुम लोग मत आना, अगर आना है कलेक्टर बन के आओ, आईपीएस ऑफिसर बनो, तुम्हारे हाथ में अगर पावर है, पॉलिटिकल पावर है, तुम देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकते हो। अब रोते रोते आकर मुझे वो मिला, ये मिला, ये मत बोलो, ऐसी भाषा में उन्होंने सिद्धार्थ लॉ कॉलेज के प्रिमाइसेस में बैठ के उन्होंने कहा। और ये भी बात उन्होंने कही कि मैं जो सामाजिक न्याय का एक बीड़ा उठाया हूँ और आप लोगों को कुछ ना कुछ मैं किया हूँ, लेकिन मेरे देहात में रहने वाले भाइयों के लिए मैं कुछ नहीं कर सका, तो उनकी फिक्र मेरे की ज़्यादा है। जो किसान है या किसान ये लेबर काम करता है, तो उसको मैंने अभी कुछ नहीं किया, ये दर्द मेरे में है। इसीलिए आप पढ़े लिखे लोगों को मैं यही कहूँगा, जो सुधारणा की रथ है, डेवलपमेंट की रथ है, वो रथ मेरे हाथ से जितना होता था उतना तो मैं खींच के लाया। अगर आपके हाथ से होता है, आप कोशिश करके उसको आगे बढ़ा सकते हो, तो बढ़ा के खींच के आगे लेके जाओ। अगर आपके हाथ से नहीं होता तो उसको पीछे मत ढकलो, कम से कम जहां है वहीं तो रखो। ये बाबा साहब की आवाज थी, तो इसीलिए ऐसी आवाज को हम बुलंद करना है। और लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, बंधु प्रेम, धर्मनिरपेक्षता की हम बात करना है। और आवाज इंडिया टीवी ये रखेंगे आवाज, ऐसा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। और मेन स्ट्रीम में छोटे चैनल को, छोटे पेपरों को जगह नहीं मिलती, एडवर्टाइज नहीं मिलता, गवर्नमेंट भी उधर देखती नहीं। अगर किसी ने कुछ जो न्यूज़ ऐसी गलत निकाली, तब सब लोग भागते आते हैं उसके पास कि देखो मैं तो ऐसा नहीं की रहा चोरी, क्यों मेरे को चुप चोरी का इंतज़ाम लगा रहे हैं, इसीलिए कृपा करके वो हटा दो।
तब ऐसे भी होते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना यही है कि हम मेन स्ट्रीम में रहना है तो लोग देखना भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर लोग नहीं देखेंगे टीवी, अगर ऐसी टीवी को नहीं देखेंगे तो फिर क्या फायदा है। आप ही एनकरेज नहीं करते, आप ही एडवर्टाइजमेंट नहीं देते, फिर कौन आएगा? क्या ऊपर से खुदा आके देगा? खुदा किधर है मुझे मालूम नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं ऐसा, तो क्या खुदा आके देंगे? नहीं। तो कम से कम हम मदद करना चाहिए, समाज के लोग और दूसरे जो न्याय देने वाले, दूसरे जाति के लोग या दूसरे धर्म के लोग, बहुत से लोग दानी हैं और उनके दिल में भी दर्द है कि पिछड़े हुए लोगों को भी हम मदद करना। तो वैसे लोगों के पास और जो कुछ सरकारी नौकरी में है, बिजनेस में है, कुछ धंधा करते हैं, तो वो लोग आगे आके ये काम करना चाहिए, मदद करना चाहिए। ये मैं आपसे विनती करता हूँ। और आज जो आवाज़ इंडिया टीवी सामाजिक सरोकार का काम भी करता रहा है, बाकी के उन्होंने एक्टिविटीज अपने रक्तदान है और हर जगह जाकर मेडिकल कैंप वो ये सब बनाते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने आगे बहुत काम करके इसको बढ़ाया है। और मीडिया हमारा डेमोक्रेसी का सबसे जरूरी हिस्सा है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) पे हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार दिया है, ये मैं पहले ही बोला। तो इसको अगर हम दबाएंगे, हमारे वो भी अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर देश में डिक्टेटरशिप आएगी। और ये सबके लिए आएंगे, जो अच्छी बात करते हैं, जो अच्छा विचार रखते हैं, ये सबके लिए होगा। तो लोगों को जागृत करने के लिए ये पेपर या टीवी एक ट्रस्टी बन के काम करना चाहिए। भाई हमारी जिम्मेदारी है, हम कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, ये हम समाज को जागृत करने के लिए कर रहे हैं और पूरे देश के जागृत करने के लिए कर रहे हैं। देश में आज़ादी का और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हम काम कर रहे हैं। इस भावना से आप करते रहे हैं, करते आगे भी रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आज देश दुनिया 180 देश है दुनिया में, उसमें हमारा भारत का इंडेक्स प्रेस आज़ादी का 161 पे है, यानी इतने नीचे हैं लास्ट। या इसका मतलब है कि आज़ादी कम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की कमी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कमी है। और सो सही जो छापने वालों को जो जेल भेज रहे हैं लोग, उसी लिए तो हमारा देश का इंडेक्स दुनिया के इंडेक्स में 180 देशों में हम 161 पे है, बॉटम पे। और बात बड़े बड़े करते हैं, वो हमारे पुरखों ने वो किया, ये किया, हमारी जो आज़ादी, हमारी जो लोकतंत्र इतनी पुरानी है, कहाँ है भाई, दिख रही नहीं। अगर दिखता तो आप 161 नंबर पे रहते थे, अगर आप प्रैक्टिस करते तो 160 रहते थे। इसका मतलब आप नहीं चाहते देश को बढ़ाना, विचार सुनना, ये नहीं। तो ये इसको हम सोचना चाहिए। और आज हमारा आवाज़ तो गटरा ही पार्लियामेंट में, हम कुछ भी बात जब बोलते हैं पार्लियामेंट में, हमने यही कहा, मैंने यही आवाज़ उठाई थी कि भाई 13 तारीख को ये लोग, चार लोग कैसा आए, कैसा कूदे, किधर से आए, किसकी चिट्ठी पे आए, वो
वो बीजेपी का एक एमपी था हमारे कर्नाटक का, एक एमपी को बचाने के लिए 146 एमपीज को सस्पेंड किए, कोई चुप बैठा था उसको भी नाम डाल के बाहर डाल दिए, कोई वहां नहीं है उसका भी डाले, हा? ये क्या है? और बात बड़े बड़े करते हैं डेमोक्रेसी, मेरे को तो वो चेयरमैन साहब और उनके मिनिस्टर 3 लेटर लिखे, और वो हमारे पास मिनिस्टर भी हमारे हुबली कर्नाटक के हैं, बात बढ़िया करते हैं लेकिन विचार उनके ठीक नहीं है। और आज हमको 147 लोगों को एमपीज को बाहर डाल के 3 काले कानून उन्होंने पास किया। अरे एविडेंस एक्ट, सीपीसी सिविल प्रोसीजर, उसके बाद आईपीसी, उसके बाद एविडेंस, सॉरी मैं पहले तो ये बोला सिविल प्रोसीजर, ये एविडेंस एक्ट, ये तीनों बदल दिए। तीनों एक्ट बदलने से आज लोगों में, लॉयरों में इतना कम से कम उन्हें फिर एक बार पढ़ना पड़ता है, लॉ डिग्री लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अंग्रेजी या हिंदी में करते ही थे, लेकिन उसको टेढ़ मोड़ के ये ब्रिटिशर ने बनाया ये फला। अरे भाई ब्रिटिशर के साथ कौन थे? आज जो कानून बना रहे ना, यही लोग तो ब्रिटिशर के साथ थे, यही लोग तो उनके पास काम करते थे, ये गरीब लोगों को तो आप छूते ही नहीं थे, वो ब्रिटिशर के पास कहां जाते थे? तो ये जो है आज वही लोग हमको बोलते हैं कि ब्रिटिशर करे सो कानून को हम निकाले। भाई वो कानून निकालने वाले आप मदद क्यों करें? उस आंदोलन में नहीं आए, सिर्फ नौकरी में भर्ती होते गए और लड़ते दूसरे लोग रहे। तो ऐसे लोग हमारे देश में है, देश की जो आज़ादी घटाने में, देश के जो फ्रीडम अपना फ्रीडम राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको छीनने में ये लोग कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अगर आप कामयाब होने के लिए उनको मौका दिया तो मैं कहूँगा कि ये डेमोक्रेसी का अंत होगा, संविधान का अंत होगा। तो इसीलिए आप कृपा करके ऐसे जो हमारे टीवी है, आवाज़ है, ये एक समानता के लिए इन्होंने काम कर रहे हैं, ऐसे उनको मदद करके आगे बढ़ाओ, कुछ ना कुछ हमको हमारे विचार बाहर जाएंगे। तो इतना कहते हुए मैं ज़्यादा नहीं कहता, क्योंकि ऑलरेडी राहुल गांधी जी वहाँ मेरे लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे और एक मीटिंग है वहाँ, पूरा हमारे जो वर्किंग कमेटी के मेंबर्स और खास करके हमारे सेक्रेटरीज वो आए हैं बाहर से, तो उनसे अभी हमारा बोलचाल है वहाँ पर, इसीलिए मुझे जाना ज़रूरी है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मीटिंग कंटिन्यू रहे। अभी हमारे थोराज जी भी बोलने वाले हैं और आपके वक्ता ये जो भी यहाँ तुम्हारे लिस्ट में है वो भी बात करेंगे, इसीलिए आप उन सबको मौका भी आप देना चाहिए, नहीं तो किसी के भाषण होते ही बहुत से लोग उठ उठ के चले जाते हैं। अब देखो उन्होंने ही उठे हमारे पहले नहीं, लेकिन प्रेस दिखता तो रहने दो ऐसा, क्योंकि ये सीरियस है, चिंतन मंथन का शिविर है जैसा है। एक टीवी का सिर्फ 10 साल का उद्घाटन या 10 साल का इसके लिए नहीं है, इस नाते हमारे विचारधारा के प्रचार करने की जगह है। तो इसीलिए आप सुनेंगे उनकी बात को, ऐसी आशा करते हुए मेरे बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भीम।